कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी हमारे साथ हैं। नाना, क्या कहेंगे, आज नामांकन दाखिल किया गया है, कितनी उम्मीदें हैं इस बार कांग्रेस की राज्यसभा की सीट निकलेगी? बिन विरोध। दूसरी चीज, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस के अंदर जो है अशोक चौहान के बाद और भी कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की ओर से ये कहता हूँ कि बीजेपी सिर्फ डाका डालेंगे, चोरिया करेंगे, सत्ता में है। अरे सत्ता में तो तुम देश की जनता का पैसा तो लूट ही रही हो, राज्य की जनता का पैसा लूट ही रहे हो। किसान के इश्यू पे क्यों बात नहीं करते हो, युवाओं के बारे में क्यों बात नहीं करते हो? और वही बात ऐसी है कि आज महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में बीजेपी चर्चा नहीं करती। हम ये डाका डालेंगे, हम वो नेता को चोरेंगे। अभी आपने राज्यसभा में देखा होगा कि कांग्रेस की जो विचारधारा के नेता थे उन्हीं को तुमने राज्यसभा में भेजा है। तो जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो दरी उठाने वाला काम कर रहा है। तो इसलिए बीजेपी के बारे में ये बात मत करो, चोरने दो। कितने नेता को चोरते, डाका डालते, जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ये पार्टी जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है, जनभावना की पार्टी है, और कांग्रेस के साथ जनता जुड़ी है। राहुल जी की यात्रा में जब जनसैलाब जब महाराष्ट्र में भी देखा जाएगा, आज पूरे देश में देखा जा रहा है, तब इनकी नींद खुलेंगी। इसलिए इस तरह का वक्तव्य करके जो मूल इश्यू को डाइवर्ट करने का पाप जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी को करने दो, उनको फील गुड रहने दो, हमें कोई चिंता नहीं, चुनाव लगने दो। इनको जनता इनकी जगह दिखाएंगी, और जनता ने मानस बना लिया है बीजेपी को जड़ के साथ पूरे देश से निपटाने का, ये देश की जनता ने सोच लिया है। तो थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन करो। आज की जो बैठक हुई है विधायकों की, इसमें से कुछ विधायक जो है नहीं पहुंचे हैं, इसको लेकर भी अलग तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या उन विधायकों से आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ बात की, आपने कुछ बात की है? आपने महायुति में क्या झगड़े चल रहे थे उसका तो किसी ने चर्चा नहीं की। प्रफुल्ल पटेल का नामांकन उनके पास राज्यसभा रहने के बाद भी डबल क्यों किया है, उसके पर चर्चा नहीं हो रही। हमारे जो विधायक जो आए नहीं, उनके व्यक्तिगत कारण के आधार पर उनने हमको पत्र भेजा, हमारी बात हुई। तो उनके किसी का शादी है, क्या है, वो व्यक्तिगत है। अब कल हमारा 2 दिन का शिविर है, उसमें सब MLA आ जाएंगे। तो आपने देखा होगा नांदेड़ के भी MLA हमारे आज मीटिंग में थे। तो ये जो जिस तरह से गुमराह करने का काम किया जा रहा है उससे ना रहे, वास्तविकता एक अलग है। कांग्रेस यूनाइटेड है, कांग्रेस यूनाइटेड लड़ेगी। कांग्रेस अगर बात करें तो बीजेपी ने 4th कैंडिडेट दिया है राज्यसभा के लिए, या फिर अभी तक चुनाव अनुपोष है? एक इंडिपेंडेंट आया लेकिन उसका सूचक नहीं है, चुनाव बिन विरोध होगा। शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, News24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।